वो बाजमात नवाब में शामिल होते हैं। अब हमारे यहाँ कोई बिजनेस मीटिंग अगर आ गई, हमने उसको पसे पुश डाल दिया, कोई शादी आ गई, हमने उसको पसे पुश डाल दिया, कोई अच्छा सा मेहमान आ गया, हमने उस नमाज को पसे पुश डाल दिया, ट्रैफिक में फंस गए, नमाज या हमने पूरा एक निजाम नहीं बनाया कि किस तरीके से अगर हम जा रहे हैं तो रास्ते में कहां नमाज पढ़ेंगे। यानी उसकी मतलब है कि उसकी अहमियत इतनी नहीं है। अच्छा, घर पहुंचे के तो पढ़ लेंगे, मेहमान क्या जाके पढ़ लेंगे, रात को आगे पढ़ लेंगे। हमारी कैफियत माजरत के साथ हमारी कैफियत ये बनी हुई है कि हमने उसको पसे पुश डाला है, बाकी सारी चीजों को हमने अपने ऊपर पहले किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब वो हाकिम वक्त थे, उन्होंने अपने गवर्नर जनरलों को खत लिखा, उनका कितना बड़ा, यानी वो उनका पूरा खिलाफत कितनी बड़ी कायम थी। उन्होंने अपने गवर्नरों को खत लिखा कि सबसे ज्यादा अहम काम वो नमाज है, जो आदमी नमाज को छोड़ेगा वो दूसरी चीजों को ज्यादा जाय करने वाला है। यानी हम ये समझते हैं कि अगर हमारी बिजनेस मीटिंग है तो हम बिजनेस मीटिंग करके ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। अगर उमर क्या फरमा रहे हैं कि अगर किसी आदमी ने नमाज को उस वक्त पे नहीं पढ़ा और छोड़ दिया तो दूसरी चीजें ज्यादा जाय करने वाला है। मतलब यह कि वो कामयाब नहीं होगा, दूसरी तरफ जाकर उसकी बिजनेस मीटिंग कामयाब नहीं होगी, खुदा ना खासा उसकी शादियां कामयाब नहीं होंगी, उसकी चीजें जो एजुकेशन है वो कामयाब नहीं होगी। ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अपने गवर्नर जनरलों को क्या दिया, ये हुक्म फरमाया। गवर्नर जनरल को आसान बात है, हर आदमी अपनी अपनी जगह पर मसरूफ होगा, अपनी उसमें अपने अपनी सारे सल्तनत के उमूर में मसरूफ होगा, लेकिन एक खत वहां जा रहा है, क्या करना है, सबसे पहले नमाज को कायम करो, तब जाकर दूसरे काम करना। मैंने अपने वालिद साहब का बड़ा तर्ज अमल देखा, सच्ची बात, हमारे वालिद साहब के पास कोई भी बड़े से बड़ा कोई बंदा आ जाए, कोई भी आ जाए, नमाज का टाइम वक्त होता है, मैं अपने वालिद साहब को देखता हूँ, मैंने भाई मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, फर्ज पढ़ के आ रहा हूँ, चलो सुन्नत बातें पढ़ लूंगा, फर्ज पढ़ के आ रहा हूँ, इसमें कभी भी मैंने उनका तखल्लुफ नहीं देखा। ये उलमा का किरदार, उलमा की शान, जो सीधा पहले नमाज पढ़ने चले। मेरे ताया मोहतरम मुफ्ती रफी उस्मानी साहब को मैंने देखा, बस अजान से 5 मिनट पहले उन्होंने मुझे ये बताया, मुझे वसीयत भी की है कि क्या करो, जब अजान गुजारा, अजान मौसिन साहब अजान देते हैं रोज, पांच नमाजों में अजान देते हैं, उसका बेहतरीन क्या तरीका है उस नमाज तक पहुंचने के लिए, कि जिस वक्त अय्याल सला अय्याल फला कहा जाए, फौरी तौर पर इंसान अपने काम को बंद कर दे। एक वाकया ज़हन में आया, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, मुहद्दिस थे, फकीह थे, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक का शायद नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, उनका इंतकाल हुआ और फिर वो किसी के ख्वाब में आए, उनसे उस साहिल ने सवाल किया कि आपके साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे साथ बहुत अच्छा मामला किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में चला गया और जन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह हूं। लेकिन जो मर्तबा वो मुहद्दिस भी थे, फकीह भी थे, सारी चीजें थी उनके अंदर, लेकिन और रातों को जागा करते थे, लेकिन कहने लगे कि जो मर्तबा मेरे सामने एक लोहार का आया, मेरा नहीं है, वो उस मर्तबे से आगे है।
बार कहां बिचारा लोहा पूछने वाला एक मुहद्दिस बकी मुत्तकी समझ आ रही है। वो क्या फरमा रहे कि जो रुतबा अल्लाह ताला ने उस लोहार को दिया वो मुझे नहीं मिला। मुसाइल बाद में तहकीक करने पहुंच गया, भाई क्या मतलब है इसका कि हजरत ने फरमा दी एक बात। वो जाकर उसने महल्ले महल्ले करिया करिया पूछा कि भाई कोई लोहार है, और पता चला कि हाँ अभी इंतकाल हुआ है थोड़े दिन पहले। उसकी एहलिया से पूछा कि भाई ऐसा बताओ क्या अमल है उसको, कि वो एक तरफ पति से भी आगे बढ़ गया, क्या अमल करता था भाई को। बीबी ने कहा नहीं नहीं सही, अपना काम करते थे, लोहा पूटते थे, शाम घर आ जाते थे, खास चीजें नहीं थी। हाँ बस एक चीज थी। क्या चीज है? बोले का एक चीज ये है कि जहां पर मुअज्जिन हय्याल सलाह हय्याल फलाह कहते थे तो वो उनका हथौड़ा ऊपर होता था और वो छोड़ देते थे। यानी वो गवारा नहीं करते थे कि उस लोहे को दोबारा से एक वो मार भी दे, वहीं छोड़कर सीधे नमाज के लिए चले। अल्लाह ताला ने इस अमल की वजह से उनका रुतबा कहीं से कहीं ऊंचा।